नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल शंडे, आपका मशरूम एक्सपर्ट। क्या आप जानते हैं मशरूम के इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में? नहीं तो चलिए आज हम मशरूम के इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट के बारे में जानते हैं। तो चलिए पकड़ते हैं कि 20 बाय 25 की हमारे पास में जगह है। 20 बाय 25 स्क्वायर फीट की जगह मतलब 500 स्क्वायर फीट का शेड, और ये 500 स्क्वायर फीट के शेड के बारे में इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है कि अगर 500 स्क्वायर फीट के शेड में हमारे पास में जो भी जगह है, जो भी एरिया है, वहाँ पे बेड्स कितने बैठेंगे। ओइस्टर मशरूम के बैग्स बनाए जाते हैं जिसको हम बेड भी बोलते हैं, तो वो तकरीबन 500 स्क्वायर फीट में 500 से 600 तक बैग्स बैठते हैं। हम 500 ही पकड़ेंगे और सही तरीके से बहुत अच्छे से वहाँ से 500 स्क्वायर फीट में हमें 500 केजी फ्रेश ओइस्टर मशरूम मिलेगा। अगर आपका परफेक्शन लेवल बहुत ही अच्छा है तो उससे ज़्यादा भी आपको प्रोडक्शन मिल सकता है। तो समझो आपके पास में 500 स्क्वायर फीट का शेड है, 500 केजी फ्रेश ओइस्टर मशरूम आप 2 महीने में निकाल रहे हो, 60 डेज में, और वो 500 केजी फ्रेश ओइस्टर मशरूम अगर आप सेल कर रहे हो, दो टाइप के सेलिंग आएंगी, एक है बल्क सेलिंग, दूसरा है रिटेल सेलिंग। अगर आप वही मशरूम, फ्रेश मशरूम 500 केजी बल्क में सेल कर रहे हो और रिटेल में सेल कर रहे हो, तो बल्क का जो रेट है वो 150 से 200 रुपये का रहेगा, और जो रिटेल का रेट है वो 200 से 300 तक रहेगा। तो हम यहाँ पे एकदम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों भी रेट पकड़ लेते हैं। समझो आपने बल्क में वो सेल किया तो वहाँ पे 150 रुपये से सेल किया, और कितना है 500 केजी, 500 केजी इंटू 150 रुपये अगर करोगे तो 75,000 हो गए, राइट। और दूसरी चीज़ है, अगर वही 500 केजी आप 300 रुपये किलो से रिटेल कर रहे हो, मतलब चिल्लर में बेच रहे हो, रिटेलिंग कर रहे हो दुकानदार से, तो वो जो है, या फिर कस्टमर से, तो कस्टमर के साथ में आप 300 रुपये किलो से सेल करोगे तो वही 500 केजी का आपका 1.5 लाख रुपये बन जाएगा। तो सिर्फ 500 केजी स्क्वायर फीट के शेड से आप प्रॉफिट जो कमा सकते हो वो एक है 75,000 बल्क में अगर 500 केजी फ्रेश निकाल रहे हो, और वही रिटेल में बेचोगे तो 1.5 लाख तक प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 केजी स्पॉन के लिए हमें 300 रुपये तक खर्चा आता है। 1 केजी स्पॉन से 10 बैग बनती है, तो 500 बैग बनाने के लिए 50 केजी हमें स्पॉन लगेगा। अब ये 50 केजी स्पॉन और जो 1 केजी स्पॉन के लिए जो 300 रुपये हमें पूरा इन्वेस्टमेंट, जो भी रस्सी है, स्पॉन है, खर्चा है, प्लास्टिक को पूरा पकड़ के, तो 1 केजी स्पॉन के लिए हमें 300 रुपये खर्चा आता है, तो वही 10 किलो के लिए हमें 3,000 रुपये खर्चा आएगा। और अगर हम टोटल 50 केजी की बात करेंगे तो 15,000 तक हमें खर्चा आएगा। तो सोचिए अगर आपके पास में 500 स्क्वायर फीट का शेड है और आप उसमें 10 से 15,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो 15,000 रुपये लगा के आप बल्क में 75,000 रुपये और रिटेल में आप 1.5 लाख तक, मतलब 1,50,000 तक कमा सकते हो। इसके लिए थोड़ी सी कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए, मार्केटिंग स्किल, और आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी मशरूम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए। अगर ये आप बहुत सही तरीके से समझ लेते हो और जान लेते हो तो 100% आप अपना इन्वेस्टमेंट लगा के प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके के नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।